अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो दोस्तों आज एक बार फिर हम मौजूद हैं मुबारक विलेज पे और जा रहे हैं फ्लैट लाइन फिशिंग पे। और मेरे साथ आज कौन कौन है वो थोड़ी सी देर में बताता हूँ। फिलहाल मेरे अफजादे यहाँ मौजूद हैं, अनस नाम है इनका, पहले भी आप वीलॉग में देख चुके होंगे। हमारे शहजाद भाई गए हैं नाकवा को देखने के लिए और एक साथ ही और साथ हैं, थोड़ी देर में हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं जब तक हम यहाँ का मंजर चेक करें। भाई ये ताड़ू के लिए डोरे रेडी हुई है, दिखाना भाई कौन से नंबर का कांटा लगाया है। ये हमने लगाया है 5 नंबर का, 5 नंबर का हुक लगाया जी। ये स्टील वायर बंदी है, ठीक हो गया। और ये ताड़ू के लिए आप देखें मछली किस तरह फिटी की जा रही है। हमारे अल्लादाद भाई नाकवा का नाम है भाई, माशाल्लाह मुबारक विलेज। और आप देखें किस तरह से बांगड़े के अंदर हुक की जा रही है, देख रहे हैं आप, नजर आ रही है आपको हाथ में, ऐसे आवाज नहीं आई, मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा आपको। अल्लादाद भाई को दिखा रहे हैं, ये अल्लादाद भाई लगा रहे हैं। ये आप देखें डोर बिल्कुल प्रो दी गई है मछली के मुंह में से। अच्छा तारू के काफी किस्में हैं, लड्डू, गुलाब जामुन, मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ तरीके से। तो इंशाल्लाह हम अलग अलग तरीके से चारा लगाएंगे, तो देखते हैं किस चारे पे स्ट्राइक होती है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपने देखा किस तरह से हुक को परोया गया और इस तरह से लगाया गया है। इसके लगाने का मकसद क्या है, ये पानी में जाके मछली ऐसा लगे जैसे तैर रही है, ऐसी ही बात है अल्लादाद भाई। सही है, सही है। बिल्कुल पानी में जैसे ये यूं यूं रन कर रही है इस तरह से, ये बांगड़ा जो है वो तैयार हो गया बेहतरीन। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। दूसरी डोरे रेडी हो रही हैं, तो थोड़ी सी देर में दिखाता हूँ। छुरी देना भाई, भाई एक कमेंट आया था इतनी बेकार छुरी, छुरी ये है मेरे पास भाई, वो जो मेरे पजामे में घुस गई थी वो लांच वाले की छुरी थी और दुम काटी जा रही है। भाई दुम काटने की वजूहत बताएं भाई, घूम नहीं सकता ताकि ये घूम नहीं सकता, बेहतरीन हो गया। देखा आपने ये चारा रेडी हो गया सुरमई के लिए, पट्टियां मौजूद हैं मेरे पास, वेट एक्स्ट्रा मौजूद हैं एक्स्ट्रा साइज के, और बॉक्स और भी हैं, वेट और भी हैं। एक वाम के ऊपर लगी है, ये आ गया चारा और ये बिल्कुल एक वाम आ गया। पट्टी दिखाएं कहाँ पे आ रही है आपके हाथ में, वो आ गई पट्टी, ठीक है। एक वाम के ऊपर जो है वो पट्टी लग गई है और डोर डलने को रेडी है, ठीक हो गया दोस्त। ये हो गई फाइनली एक डोर रेडी, और ये चटका चारा और एक नंबर बांगड़ा मौजूद है। ये निकालिए बांगड़ा, दिखाइएगा एक नंबर कौन सा लाए थे आप। ये VIP बांगड़ा लाया हम लोग, बिल्कुल बेहतरीन फ्रेश A1+, माशाल्लाह बेहतरीन हो गया, ए ग्रेड माल, ठीक हो गया दोस्तों, माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। तो वो फॉर्म पानी में बहता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, कैमरे की आंख आपको दिखा रही होगी, वो जा रहा है। ये आप देख रहे हैं मछली कैसे कट रही है, आ रही है नजर, थोड़ी धूप थोड़ी छांव, ये मछली इस कंडीशन में रेडी है पानी में जाने को, ठीक हो गया दोस्तों। एक डोर चली गई 18 वाम के ऊपर आपके सामने है, और दूसरी हमारे लद्दाख सामने डाली है, सूरज आ रहा है सामने, 18 वाम पे एक जा चुकी जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये 35 वाम पे अनस भाई ने निकाला दावा। दाना आप देखें बिल्कुल उसका पेट साफ करके और दाना रेडी किया जा रहा है और फिर वो लगाया जाएगा, ठीक हो गया। ये तीसरे ताड़ू की तैयारी हो रही है, ये लड्डू लग रहा है, लड्डू, और ये लड्डू लग रहा है, लड्डू तैयार हो रहा है लड्डू, और ये रेडी हो गया लड्डू। अल्लाह भाई रोशनी में दिखाइएगा एक नजर, ये तैयार हो गया, लड्डू भी लगा दिया है, साबुत भी हमने लगा दिया है, ठीक, और कटा हुआ पीस भी लगा दिया है, बाकी ये हम धूम टाइप की जो शेप बनती है उसका भी बना दिया, इंशाल्लाह देखते किसके ऊपर स्ट्राइक हो रही है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं 8 नंबर का हुक लिया है मैंने, और तकरीबन एक वाम के ऊपर मैं ये पथरी लगा रहा हूँ, ठीक हो गया। तो ये फ्लैट लाइन के लिए बहुत ज़रूरी है,
बहुत ही इम्पोर्टेड है ये, तो इसके लिए हमने तकरीबन 20 किलो बांगड़ा लिया है, चाहे लोअर मिल जाए बांगड़ा मिल जाए, ए ग्रेड ले या बी ग्रेड ले, बी ग्रेड ये थोड़ा सस्ता मिल जाएगा क्योंकि ये वेस्ट करना पड़ता है पानी में। बिल्कुल ठीक हो गया शेर भाई, तो ये हम जो है तो इंशाल्लाह भी इसका छठ बनाएंगे हम, इसका छठ बन रहा है, और छठ कैसे बन रही है, ये डंडा है, इसका हम बनाएंगे कीमा। ओए होए, ये इस तरह घर में लहसुन अदरक हरी मिर्चें कूटते हैं ना, ऐसे कूटनी है, ऐसे कूट के करना क्या है इसको ये बताएंगे आप। कूट के इसमें या तो इसको हल्का हल्का उठा के पानी में यूं छड़कना है, ठीक, या इसमें पानी डाल के रू अफजा बोलते हैं इसको, अच्छा, तो हल्का हल्का करके फेंकते रहना, और ये रोकना नहीं है, ये बहुत जरूरी है। ठीक हो गया, मुस्तकिल चटका चारा लगेगा, डोरी लग चुकी है, अब चटके चारे की बात है, बारी आ चुकी है, और शहजाद भाई चटका चारा रेडी करते जाएंगे, मशीन निकालते जाएंगे, कूटते जाएंगे और डालते जाएंगे, ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हम यहाँ शिकार कर रहे हैं। और हमारे दो साथी, एक हमारे अनवर भाई बैठे हैं हमारे जी, माशाल्लाह ये शहजाद भाई के साथ आए, शहजाद भाई के कज़न है अनवर, और ये मेरे साहबजादे बैठे हैं अनस, ये दोनों साथी मौजूद हैं फिशिंग के लिए, और शहजाद भाई कूटते हुए, और नाकवा चौथी डोर जो हमारी फाइनली फ्लड लाइन की है वो रेडी करते हुए, उसमें स्टील वायर बांध रहे हैं, चारे को एकदम रेडी कर रहे हैं, और फिर वो पानी में डाला जाएगा, ये कंडीशन है सारी। ये चौथी राड मौजूद है, और एक डोर मैंने रेडी की है, अभी थोड़ी देर के अंदर मैं भी हैंड फिशिंग रेडी कर रहा हूँ। ठीक हो गया दोस्तों, मोहब्बत है ना, प्यार है आपकी आ जाती है, ये डामा आ गया, वो डामा दिखाओ दिखाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त पोता है। अल्लाह भाई को पानी में अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे गिर जाता है, उसकी उस सूरत में आप क्या करते हैं? अच्छा डाइव मारते हैं पीछे, अच्छा जो आपने डाइव मारी है वो बंदा जो डूब रहा है उसको क्या करना चाहिए? उसको रस्सी देंगे। अच्छा आप रस्सी देंगे, आप रेस्क्यू करेंगे, लेकिन बंदे को खास तौर पे मैंने जहाँ तक मेरी मालूमात है, बंदे को जो बंदा ड्राइवर बचाने के लिए आया उसको पकड़ना नहीं चाहिए, पकड़ना नहीं चाहिए। अगर वो ड्राइवर को पकड़ता है तो ड्राइवर जाहिर बात है अपनी जान बचाएगा, अगर वो ड्राइवर को पकड़ेगा तो ड्राइवर भी डूब जाएगा, यही बात है ना। तो जो डूबता है वो हाथ पांव चला है, लेकिन जो उसको बचाने के लिए आया कभी भी उसको पकड़ने की कोशिश ना करे। ठीक हो गया, और दूसरी सूरत में जी जी यहाँ से पकड़े उसको, उसके हाथ नहीं पकड़े, अगर उसके हाथ वाथ पकड़ लिए तो दोनों गए, और फिर आप निकालने के लिए बंदे को रस्सी बांधते हैं, रस्सी बांध के फिर ऊपर लेके आते हैं, रस्सी भी यहाँ से बांधते हैं। ठीक ठीक, तो जो बंदा नीचे गिरे फौरी तौर पर, वो जो बंदा पानी में गिरा उसको क्या करना चाहिए? जैसे बंदा पानी में गिरा है तो पानी में एकदम तो नहीं डूबता ना, थोड़ा टाइम तो लेता है, उतनी बहुत टाइम लगता है, एकदम से नहीं डूबता बंदा, तकरीबन तीन चार डुबकियां पांच डुबकियां वो लेता है, चार डुबकियां मारता है, उसके बाद डूबता है, क्योंकि उसके जिस्म में पानी भरेगा तो वो अंदर जाएगा, ऐसे नहीं डूबेगा। ठीक हो गया, तो दोस्तों आपने सुना, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई गिरता है पानी के अंदर, तो एहतियाती तदाबीर थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। कौन है मुल्ले? मुल्ला है पाओ का यार, आज आज ओहो मुल्ले तैर के तो दिखा दे कैसे तैरता है यार, ऐसे ओए होए कितनी प्यारी लग रही है यार, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, दिल खुश कर दिया तुमने यार, दिखने में प्यारी है तो खाने में कैसी प्यारी, हाँ माशाल्लाह। ओ मुल्ले आ जाओ, ये लो भाई माशाल्लाह मुल्ला आ गया, निकाल आराम से, आराम से निकाल, बड़ा धार है यार, आराम से निकाल आराम से, ये देख मुल्ला माशाल्लाह, अपने पास तो ये साइज है शहजाद भाई, कपड़ा देना भाई, है माशाल्लाह अच्छा साइज है, खाली आ जाए हैं, अच्छा मुल्ला है माशाल्लाह हैं, उठा 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 भाई, एक दाना मैंने निकाला है, एक शहजाद भी निकालते हुए, प्लास कहाँ है? प्लास पड़ा है ना, हाँ निकल गया निकल गया, ये मुल्ले का शायद है, शहजाद भाई का अल्लाह करे इससे बड़ा शायद हो, क्यों भाई? आमीन, डालो भाई नीचे बास्केट में, वाह भाई वाह, और ये बांगड़े भी आ रहा है देख लो भाई, मेरा वाला मैया पे आ रहा है, मैया पे आया, जबरदस्त हो गया, तो दोस्तों देख लो छुपा कुछ नहीं रहे, और बता माशाल्लाह दिल खुश कर दिया भाई शहजाद भाई,
आपसे कब से कह रहा हूं मुल्ले आ गए। माशाल्लाह 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 भाई माशाल्लाह। शहजाद भाई ने एक और मुल्ला तो ग्रिल के लिए फ्राई है। बिल्कुल बिल्कुल, शाम को क्या करना भाई? भूसी है, मैया लगाओ भाई। पार्टी पार्टी पार्टी, ठीक हो गया? जबरदस्त। ये माशाल्लाह एक और मुल्ला आ गया भाई, जबरदस्त। ये बास्केट भरी जा रही है। क्या नाम है इसका भाई? सर का बताना कटा था यार। जलेबी जलेबी। अरे यात्रा पठेरा पठे समा का सर का दाना बजाया के यार। वाह भाई वाह, जलेबी एक ही जात का है। ये भी जलेबी है। थोड़ा इधर ले गया, इधर ले गया, इधर 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 से दिखा। घुमा 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 घुमा, इतना मत घुमा, बैठिया बैठ के घुमा, तू मत गिरिया ये पानी में। ये दिखा, पागल हो गए। ये दिखा, ये क्या कलर है भाई, यहाँ से देखो कलर। वाह भाई वाह, वाह शहजाद भाई वाह, माशाल्लाह। नासिर भाई ने मारी है? अनवर भाई ने। अनवर भाई ने मारी है भाई, निकाली मैंने, आई अनवर भाई को। माशाल्लाह माशाल्लाह, आ रहा है भाई आ रहा है। ये आया मुल्ला, आया मुल्ला शहजाद। माशाल्लाह उठा उठा, कितना 5-6 किलो का? ओहो किलो का मुल्ला है, किलो का ये आया मुल्ला। ओए होए, जाया नहीं करना यार, जाया नहीं कर रहा यार, खबर तो करो। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, आया मुल्ला, आया या मुल्ले, मैया पे आया भाई, मैया पे। ये आ गया मुल्ला भाई, मुल्ला सही है माशाल्लाह। हीरा है, हीरा। और ये आ गया, आ गया माशाल्लाह, दादा का पोता आ गया। वाह भाई वाह माशाल्लाह, अनवर भाई शहजाद भाई माशाल्लाह, हीरा है, हीरा। मैंने कहा हीरा खाऊंगा। हाँ कल इतना दाना केमाड़ी से 700 का खरीदा। ओए होए, होए।